दोस्तों नमस्कार। आज एक बहुत ही अच्छे विषय से के ऊपर वीडियो लेके आया हूँ आपके सामने, और इस चीज़ को आप अपनी ज़िंदगी में, अपने घर में, आप जोमेटो या किसी और कंपनी से खाना ऑर्डर करते हैं तो उसमें भी आप देखते होंगे। जी हाँ, आप सही पकड़े हैं, ये कोरूगेटेड बॉक्स होता है। कोरूगेटेड बॉक्स का पिछले कुछ सालों में बहुत अच्छा चलन चल चुका है, और हर चीज़ में इसकी ज़रूरत महसूस होती है, चाहे खाने के काम में हो, चाहे किसी चीज़ को पैक करने के लिए, चाहे जूते हो, कपड़े हो, कोई मशीन हो, कोई और छोटा सा आइटम हो, किताबें हो, या कुछ भी आइटम A to Z सारा एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाने के लिए कोरूगेटेड बॉक्स की आवश्यकता पड़ती है। कोरूगेटेड बॉक्स की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि इससे सामान सेफ्टी तरीके से चला जाता है। अब कोरूगेटेड बॉक्स होता क्या है? दरअसल ये जो खाकी कागज़ होता है उसकी कुछ परतें होती हैं, दो प्लेन परतों के बीच में एक झुर्रीदार कागज़ होता है जिसको फ्लोटिंग्स कहते हैं। तो फ्लोटिंग मशीन में से निकाला जाता है, ये तो ऑटोमेटिकली उसमें से बन जाता है, ऊपर नीचे झुर्रियाँ सी बन जाती हैं। तो ये कोरू इस इससे इसको दोनों साइड में कोई दूसरी मशीन कपड़ा कागज़ चिपका दिया जाता है तो इससे ये मजबूत हो जाता है, अगर गिरता है, उड़ता है, कुछ भी होता है तो इसमें पैक हो जाता है, इसमें मतलब सामान ख़राब नहीं होता है। अब इसमें भी कई सारी परतें होती हैं, सिंगल प्लाई, डबल प्लाई, 3, 4, 9, 8, 9, 10 प्लाई। अब मैंने तो 10 प्लाई तक देखा हुआ है, उसके बाद का पता नहीं मुझे, शायद उसके बाद भी होता होगा। तो ये मतलब काम बहुत अच्छा है, और लेकिन ये छोटा काम नहीं है, तो आप सोचें कि 10-20 हज़ार से शुरू हो जाए। अब हो भी सकता है, बहुत सारी जुगाड़ की मशीनें अगर आप ले लें तो 3-4 लाख में शुरू हो सकता है, लेकिन इसकी आजकल बना मशीनें जो आती हैं, अब जुगाड़ की मशीनें क्या लेंगे आप, कोरूगेटेड रोल मशीन बनाएंगे, उसमें जो कोरूगेटेड रोलर्स होंगे, उसके बाद में गमिंग यूनिट होगी, फिर आप ये जो उसका टेम्परेचर उसको कंट्रोल करने वाली यूनिट होगी एक, है ना, और एक बोर्ड कटर मशीन होगी जो बोर्ड को काटेगा लंबे लंबे, फिर पेस्टिंग मशीन होगी, सीट प्रेस होगी जो इनको चिपका देती होगी, है ना। इस तरह से मतलब 4-5 मशीनें हैं, तो इनकी अगर जुगाड़ वाली लेते हैं तो ये सब मतलब 4 लाख रुपए के लपेटे में आ जाती हैं, लेकिन जुगाड़ वाली मशीनों से हर कोई नहीं कर पाएगा। अगर कोई आप ढंग से करना चाहते हैं, इसकी मशीनें खरीदना चाहते हैं, तो इसकी मशीनें मतलब पूरी तरह से, एक पूरा प्लांट आता है वो तो बड़ा आता है, महंगा आता है, इसकी मशीनें जो आती हैं करीब आप 6 लाख रुपए से लेकर करीब 60-70 लाख, 75 लाख, 80 लाख तक के प्लांट आते हैं इसके, ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक। तो आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से देखें। दूसरा रही बात इसके भविष्य की, इसके फ्यूचर की, इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है और आज के समय में बहुत डिमांड है। भारत में जितनी डिमांड है उसका 60-70%, 60% तक अब पहुंच पाया है, 60% तक बन पा रहा है, बाकी 40% जगह खाली है अभी, तो आप उसमें अपना स्थान सुनिश्चित कर सकते हैं। तो दोस्तों एक अच्छा काम है, इसमें केवल ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती, केवल गम जो गोंद होता है उसकी ज़रूरत पड़ती है, और आपको कपड़े कागज़ की ज़रूरत पड़ती है, और बाकी मशीन ऑपरेटर चाहिए, और अपना रॉ मटेरियल चाहिए आपको। रॉ मटेरियल वो गोल गोल रोल में आता है, और जब आप शुरू करेंगे काम तो आपको पता चली जाएगा। तो अगर ये इसका, हाँ बस इसके लिए थोड़ी सी जगह ज़्यादा चाहिए होती है, कि इसके लिए कम से कम आप 200 वर्ग गज का एक प्लॉट हो या और बड़ा हो तो अच्छा है। थोड़ी सी खुली जगह भी चाहिए होती है क्योंकि जब गर्म निकलते हैं तो थोड़ा सा उन्हें सूखना होता है, ज़रूरी नहीं कि धूप में ही सूखें, खड़े खड़े भी सूख जाते हैं। तो दोस्तों एक अच्छा बिज़नेस हो सकता है, एक अच्छा आइडिया है, आप करना चाहते हैं तो करिए, लेकिन इसमें थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा, तो इसलिए इन्वेस्टमेंट का आपको अपनी व्यवस्था बनानी है। मार्केट इसका हर जगह है, हर तरह की कंपनियां इसको यूज करती हैं, चाहे फूड इंडस्ट्री हो, चाहे प्लास्टिक हो, मशीनरी हो, बुक्स इंडस्ट्री हो, कागज़ इंडस्ट्री हो, यानी कोई भी इंडस्ट्री, किसी भी चीज़ का नाम ले ले, हर जगह कोरूगेटेड बॉक्स का उपयोग होता है। प्लाई अलग अलग होती हैं, कितने प्लाई का, कहीं पे पतला होता है, कहीं पे मोटा होता है, कहीं पे बहुत ज़्यादा तंदुरुस्त चाहिए होता है, तो ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके ऊपर। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और दोबारा से मैं फिर आऊँगा नया वीडियो लेकर, तब तक सब्सक्राइब करिए, आपको ज़रूरत ना हो तो आपके फ्रेंड